आज मैं बनाने वाला हूँ इन दो अप्सरा पेंसिल के हेल्प से एक मिनी ड्रोन। तो देखते हैं हम लोग 1000 रुपए के अंदर में एक अच्छा ड्रोन, मिनी ड्रोन बना पाते हैं कि नहीं। उसके लिए जो जो सामान लगेगा, सबसे पहले तो ये दो अप्सरा का पेंसिल से मैं बनाने वाला हूँ। इन दोनों को इस तरह से जोड़ के एक ड्रोन का शेप का लाऊंगा, वो आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। देन उसके बाद हम लोगों को जरूरत पड़ेगा ये छोटे छोटे मोटर का। ये डीसी मोटर है, ब्रूसलेस मोटर है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से घूमता है। एंड तो हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा ड्रोन बनाने के लिए वो है ये एक ड्रोन कंट्रोलर, ये इसे मदरबोर्ड भी बोल सकते हैं। इसके साथ हम लोगों का ये रिमोट भी आया है। ये कितने का है एंड कहाँ से परचेस करना है ये वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले चलिए आगे ड्रोन बनाते हैं, देन देखते वो उड़ पाता है कि नहीं। अगर सक्सेसफुल हुआ तो आप लोग भी बनाना, आप लोगों को भी बताएंगे। अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा पैसा दे। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं। तो इन दो पेंसिल को कुछ इस तरह का ड्रोन का शेप दे दिया एंड ग्लू गन से यहाँ पर स्टक कर दिया है। एंड जो छोटे छोटे मोटर आते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पर फेविक्विक और जिप टाई के हेल्प से अच्छे तरीके से चिपका दिया, जैसे कि ये निकलेगा नहीं। एंड उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप आता है ये जो मदरबोर्ड है उसको यहाँ पर प्लेस करने का। तो भाई हम लोग कुछ इस तरह से डबल साइड टेप के हेल्प से स्टक करेंगे। तो भाई देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से चिपक गया। एंड लास्ट में इसमें ग्लू गन के हेल्प से थोड़ा सा ग्लू भी मार देंगे, जैसे कि ये पूरा तरीके से अच्छे से चिपक जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो भाई ये अच्छे तरीके से अब लग गया है, तो चलिए इसका वायरिंग कर देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बॉडी में सारा चीज़ मिल जाता है। देखिए मोटर प्लस मोटर माइनस, ये लाइट का है एंड ये वाला मोटर का, टोटल 4 मोटर का ये क्वाडकॉप्टर बनने वाला है मिनी साइज में। तो चलिए इसका वायरिंग करते हैं। तो हम लोग का सारा मोटर्स का कनेक्शन यहाँ पर हो गया है। आप लोग बोलिएगा हम लोग सारा वायर्स को उल्टा क्यों लगाए, मतलब रेड माइनस में ब्लैक प्लस में क्यों लगाए, क्योंकि मैंने मोटर यहाँ पर कुछ उल्टा थोड़ा सा लगा दिए थे, तो इसके वजह से रोटेशन में दिक्कत ना हो, जैसे कि प्रॉपरली सही तरीके से ये बैलेंस होके उड़े, इसके वजह से मैंने यहाँ पर ब्लैक को प्लस में लगाया हूँ एंड माइनस को सॉरी प्लस को माइनस में लगाया हूँ। तो आप लोग देख लेना, अगर आप लोग भी ड्रोन बनाते हो तो अगर ऐसा कोई दिक्कत होता है जैसे कि ड्रोन उड़ता नहीं है या फिर बार बार फ्लिप हो जा रहा है, ऐसा कोई दिक्कत आने से आप लोग भी ये ट्रिक को यूज़ करना, देखना प्रॉपरली ये उड़ेगा। तो भाई ये होने के बाद हम लोग बैटरी इस पर यूज़ करने वाले हैं इस वाले को। ऐसा तरीका का बैटरी भी आता है, जो ये वाला बैटरी मत ही यूज़ करना, ये काफ़ी ज़्यादा भारी है, इसके मुकाबले में ये काफ़ी हल्का है एंड अच्छा पावर का है। ये 1800 mAh का है। यहाँ पर बैटरी मेरा पुराना था, थोड़ा लीक हो रहा था, इसलिए मैंने टेप मार दिया। एंड बैटरी के साथ हम लोगों ने ये मॉड्यूल को यूज़ किया है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो चलिए, एंड एक चीज़ और, यहाँ पर मॉड्यूल जब यूज़ करिएगा तो आउट से कनेक्शन ना लेके डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन लीजिएगा, इसके हेल्प से आप लोगों को पावर अच्छा तरीके से मिलेगा। तो चलिए अब बैटरी को इसमें फिट करते हैं। A few moments later. तो भाई फाइनली हम लोग का ड्रोन यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। तो सबसे पहले इसको चार्ज कर लेते हैं, देन उसके बाद आउटडोर में इसको उड़ा के टेस्ट करने वाले हैं कि ये उड़ता भी है या फिर पैसा वेस्ट है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं हम इसको उड़ाने के लिए। तो इसका कुछ ये आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पॉपुलर है इसका 2 मॉडल आता है, एक A1 और एक B1 वाला। तो A1 वाला आप लोग को एक साइड में लगाना है, जैसे कि ये वो A1 लगा हुआ है तो इसको भी A1 ही लगाना है। देन B1 ये वाला है तो B1 ये वाला है। और हम लोग बैटरी यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किए हैं। ये 2000 mAh का बैटरी है 3.7 वोल्ट में। एंड इसको चार्ज करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्जिंग मॉड्यूल का DC चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ किए हैं एंड वो उसको डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एंड बीच वाला जो ये जो पुश बटन है इससे ये ड्रोन ऑन होता है। फिलहाल तो ये अभी ऑन नहीं हो रहा है, काफ़ी दिन से ये वाला बैटरी मेरे पास रखा हुआ था। तो चलिए सबसे पहले इसको चार्ज करते हैं, उसके बाद इसको उड़ा के टेस्ट करेंगे।
पैसा बर्बाद।